हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको बहुत परेशानी हो रही है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के बारे में, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। बहुत लोगों ने एग्जाम दिया है, उसका भी नहीं आया है। आईसीआईसीआई का ऑनलाइन टेस्ट हो गया है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आया है। क्या ये ऑनलाइन होगा इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन? तो ऑनलाइन हो नहीं सकता है। तो आप जो इतने बेचैन हो रहे हो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब मणिपाल चले जाओगे ना, तो इतना जान लो कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से बैठ करके खुद को प्रिपेयर करो, खुद को इम्प्रूव करो। रिजल्ट जब आने का होगा तब आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया है आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग कि आपका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा भाई, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में उतने इम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक ओपन है, बैंक तो ओपन है, ये सही बात है, बट बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जहां कंप्लीट इम्प्लॉय नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लॉय जो ऑलरेडी घर पे हैं वो वहां से काम कर रहे हैं। तो आपका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और आईसीआईसीआई का तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अब कोई भी वैकेंसी आईसीआईसीआई की नहीं आएगी। आपने जो टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा और आपका एडमिशन होगा। बस उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साल में 2 बार आता है या 3 बार आता है, वो इस साल नहीं आएगा। अब बात रही एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स की, तो उसका भी सेम है। और अगर आपको ज्यादा सेटिस्फाइड होना है तो आपको आईसीआईसीआई ने एक मेल किया होगा, उस मेल के लास्ट में एक ईमेल आईडी होती है, उसमें लिखा हुआ होता है फॉर एनी क्वेरी मेल मी एट, मतलब आप उस मेल पे मेल कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। सेम अप्लाई होता है एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स के साथ। आपको अगर जानना है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आप एक मेल कर लो उनको, आपको रिप्लाई आ जाएगा विद इन 24 और 48 आवर्स। ठीक, तो आप जो वेट कर रहे हो, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जब आप एक बार मणिपाल चले जाओगे तब फिर आप इस टाइम को ना अभी याद करोगे। अभी इतने जो आप परेशान हो रहे हो ना कि सर रिजल्ट नहीं आया है, कब आएगा इंटरव्यू, कब होगा इंटरव्यू, हो गया है सिलेक्शन वाला मेल कब आएगा, जब एक बार आ जाएगा, जब एक बार वहां शिफ्ट कर जाओगे ना, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो अभी जहां पर हो आराम से रहो, खुद को इम्प्रूव करो, पढ़ाई करो, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है कि वहां का शेड्यूल कैसा होता है, काफी हेक्टिक होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, तो बहुत सारा कुछ होता है। तो अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो थोड़ा सा एंजॉय कर लो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये अपडेट था। तो आई होप कि आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी पे या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, उसमें मेरी मेल आईडी है। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं मणिपाल के रिगार्डिंग, मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो। 1-2 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी आएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।